जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में श्रीदेवी की बेटी यानी कि जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म धड़क का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिससे लोग बेहद पसंद भी करते दिखाई दे रहे हैं। और इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिली। लेकिन हाल ही में जाह्नवी कपूर ने अपने ट्रेलर लॉन्च के दौरान कई बातों का खुलासा किया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर अपनी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें, ईशान खट्टर शाहिद कपूर के सौतेले भाई हैं और इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर ईशान खट्टर की पूरी फैमिली और जाह्नवी कपूर की पूरी फैमिली यानी कि कपूर खानदान जाह्नवी को पूरा सपोर्ट करने पहुंचा था। वहीं जाह्नवी इस खास मौके पर काफी ज्यादा डरी हुई दिखाई दी थी, यानी कि काफी नर्वस दिखाई दे रही थी। बता दें, फिल्म के ट्रेलर में जाह्नवी से कई सवाल भी पूछे गए। पहले तो जाह्नवी कपूर काफी ज्यादा घबराई हुई थी। बाद में ट्रेलर लॉन्च पर पत्रकारों ने जाह्नवी से कई सवाल भी किए। एक सवाल जाह्नवी से माँ श्रीदेवी के बारे में पूछा गया। दरअसल सवाल ये था कि आपको अपनी माँ श्रीदेवी से एक्टिंग के लिए किस तरह की टिप्स मिली थी। तो इस बात का जवाब देते हुए जाह्नवी पहले तो थोड़ी सी नर्वस हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात का काफी अच्छे से जवाब दिया। जी हाँ, आपको बता दें, जाह्नवी ने कहा, मॉम ने मुझे हमेशा से ही सिखाया कि आपको शूटिंग का हर एक सीन, हर एक इमोशन को जीना पड़ता है, तभी अच्छी एक्टिंग सामने आती है। उन्होंने कहा, मॉम हमेशा कहती थी कि मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तब जाकर मैं अच्छी एक्टर बन सकती हूँ। हर एक सीन को पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में जीना पड़ता है। वहीं जब जाह्नवी से पूछा गया कि आपको पापा ने यानी कि बोनी कपूर ने फिल्म के लिए आपको क्या टिप्स दिए थे, तो इस बात का जवाब देते हुए जाह्नवी ने कहा, पापा ने मुझे कोई टिप्स नहीं दिए, हाँ बहुत सारा प्यार जरूर दिया, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वहीं अगर बात करें फिल्म की, तो बता दें, फिल्म धड़क साल 2017 में आई ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक है। फिल्म में गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंधानंद की रिपोर्ट।